नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। फिल्म आदिपुरुष को लेकर जारी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब करणी सेना ने फिल्म से जुड़े लोगों को चेतावनी दी है और कहा है कि धार्मिक ग्रंथ की अवहेलना बर्दाश्त नहीं की जाएगी। करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शेखावत ने मध्य प्रदेश में राजगढ़ के ब्यावरा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान धमकी देकर कहा कि उनके संगठन के लोगों को फिल्म के जो भी पात्र मिलेंगे वो उन्हें चांटा मारेंगे। शेखावत ने कहा कि वो किसी भी तरह से धार्मिक ग्रंथ की अवहेलना बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि फिल्म में हिंदू देवी देवताओं के वस्त्र भी ठीक नहीं है, वस्त्र को लेकर भी चूक हुई है। शेखावत ने कहा कि धार्मिक ग्रंथ मनोरंजन की चीज नहीं है, इसे अब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष इंदर सिंह राणा ने फिल्म के लेखक मनोज मंदोचर को चेतावनी देते हुए कहा, करणी सेना तेरा जल्दी हिसाब करेगी। आदिपुरुष फिल्म को लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन जारी है। सोमवार को उत्तर प्रदेश के लखनऊ, जम्मू कश्मीर के जम्मू और मध्य प्रदेश के कई शहरों में हिंदूवादी और दूसरे संगठनों से जुड़े लोगों ने प्रदर्शन किया। इसके पहले महाराष्ट्र के पालघर में रविवार को फिल्म की स्क्रीनिंग रोकने की कोशिश की गई। सोमवार को लखनऊ के हजरतगंज में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने फिल्म के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करने वालों के हाथ में पोस्टर थे जिसमें फिल्म के डायरेक्टर ओम राउत, संवाद लेखक मनोज मुंतशिर शुक्ला को सनातन धर्म का विरोधी और देशद्रोही बताया गया। भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने इस दौरान जमकर नारेबाजी की। उन्होंने फिल्म के बॉयकॉट की अपील की। इसके अलावा मध्य प्रदेश में भी आदिपुरुष फिल्म को लेकर विभिन्न संगठनों ने प्रदर्शन किया। जबलपुर, इंदौर और दूसरे शहरों में फिल्म को लेकर प्रदर्शन हुए हैं। बता दें, इससे पहले महाराष्ट्र में पालघर के नालासोपारा में रविवार को हिंदू संगठनों के कुछ कार्यकर्ताओं ने सिनेमा हॉल में घुसकर फिल्म आदिपुरुष की स्क्रीनिंग को रोक दिया। आदिपुरुष को लेकर चल रहे विवाद के बीच फिल्म के डायलॉग राइटर मनोज मुंतशिर शुक्ला को मुंबई पुलिस ने सुरक्षा मुहैया कराने का फैसला किया। फिल्म को लेकर भारी बवाल और हंगामे के बीच मनोज मुंतशिर ने मुंबई पुलिस से सुरक्षा की मांग की थी। उन्होंने खतरे का अंदेशा जताया। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी इस मामले में कूद पड़े हैं। उन्होंने ट्वीट कर इस मामले में जोरदार तंज कसा है। अखिलेश यादव ने लिखा, जो राजनीतिक आकाओं के पैसों से एजेंडा वाली मनमानी फिल्में बनाकर लोगों की आस्था से खिलवाड़ कर रहे हैं, उनकी फिल्मों को सेंसर बोर्ड का प्रमाण पत्र देने से पहले उनके राजनीतिक चरित्र का प्रमाण पत्र देखना चाहिए। क्या सेंसर बोर्ड धृतराष्ट्र बन गया है? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने फिल्म आदिपुरुष के मेकर्स पर महापुरुषों को अपमानित करने का आरोप लगाया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि फिल्म में मनोज मुंतशिर और ओम राउत ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम, विद्वान रावण, आज्ञाकारी भाई लक्ष्मण और सेवक हनुमान से गुंडे, मवाली और टपुरियों की भाषा बुलवाकर महापुरुषों की मर्यादा गिराई है। मौर्य ने पूछा, क्या इससे हिंदू धर्म के ठेकेदारों व सनातन धर्म का अपमान नहीं हुआ है? अगर हुआ तो आतंकवादी भाषा बोलने वाले साधु संत और धर्म के ठेकेदार किस चूहे के बिल में घुस गए? उन्होंने कहा कि मानस की कुछ चौपाइयों के अंश को संशोधित और प्रतिबंधित करने की जब उन्होंने मांग की थी तो उन्हें लोगों ने जान से मारने की धमकी दी थी, लेकिन आज वही लोग चुपचाप बैठे हैं। बता दें, फिल्म विवादों में घिरी हुई है। हालांकि रविवार को फिल्म आदिपुरुष में डायलॉग लिखने वाले मनोज मुंतशिर ने घोषणा की कि लोगों की नाराजगी को देखते हुए फिल्म के डायलॉग बदले जाएंगे, लेकिन विवाद खत्म नहीं हो रहा है। असली शिवसेना होने की लड़ाई लड़ रहे एकनाथ शिंदे खेमा और बालासाहेब ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे का खेमा दोनों बालासाहेब ठाकरे की विरासत पर दावा कर रहे हैं। दिवंगत बालासाहेब ठाकरे ने 1966 में जिस पार्टी की स्थापना की थी उसका आज स्थापना दिवस है। दोनों खेमे स्थापना दिवस पर बालासाहेब की विरासत पर दावा कर रहे हैं और ताकत का प्रदर्शन कर रहे हैं। यही वजह है कि शिवसेना के स्थापना दिवस पर दोनों खेमों ने आज कार्यक्रम कर ताकत का प्रदर्शन किया। सीएम शिंदे की सेना जहां गोरेगांव में नेस्को प्रदर्शन केंद्र में 57वें सेना स्थापना दिवस का आयोजन कर रही है, वहीं उद्धव के नेतृत्व वाली सेना सायन में षणमुखानंद हॉल में अपना समारोह आयोजित कर रही है। अलग अलग कार्यक्रमों से पहले शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने दोहराया कि उद्धव के नेतृत्व वाले समूह असली शिवसेना है, जबकि अन्य कार्यक्रम देशद्रोहियों द्वारा आयोजित किए जा रहे हैं। मणिपुर में हिंसक हालात को लेकर सरकार में बीजेपी के सहयोगी एनपीपी ने कहा है कि अगर सरकार अपने लोगों की सुरक्षा करने योग्य नहीं है तो सरकार विफल हो गई है और उनको बने रहने का कोई अर्थ नहीं है। एनपीपी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वाई जॉय कुमार सिंह ने इंडियन एक्सप्रेस को एक इंटरव्यू में कहा है कि जब तक हम भी सरकार में हैं हमारी भी जिम्मेदारी है और मूक दर्शक नहीं बन सकते हैं। अभी देखो, मंत्रियों के घर जलाए जा रहे हैं, ऑफिसों को तोड़ा जा रहा है, अब आगे क्या होगा? उन्होंने कहा कि अगर कोई सुधार नहीं देखेगा तो हमें सरकार के साथ अपने समीकरण पर पुनर्विचार और समीक्षा करने के लिए मजबूर होना होगा।
उन्होंने कहा, ये सरकार गिराने के लिए मकसद नहीं है, बल्कि उनकी सरकार बनी रह सकती है, लेकिन हम शांत नहीं रह सकते हैं और ऐसा होते हुए हम देख नहीं सकते हैं। मणिपुर हिंसा को लेकर एनपीपी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जॉय कुमार सिंह ने कहा कि अमित शाह के दौरे के बाद हालात बद से बदतर हुए हैं। उन्होंने कहा कि मणिपुर में हिंसा के लिए 1.5 महीने से अधिक समय हो गया है। उन्होंने कहा कि मणिपुर ने बहुत हिंसा पहले भी देखी है, लेकिन उसको हमने संभाल लिया था, लेकिन इस बार इसको सही से संभाला नहीं गया है। उन्होंने कहा कि की गई कार्रवाई प्रतिक्रियाशील थी, ना कि सक्रिय थी। आईपीएस अधिकारी रवि सिन्हा को रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। आईपीएस अधिकारी रवि सिन्हा 30 जून को अपना कार्यभार संभालेंगे। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी। वो सामंत कुमार गोयल की जगह लेंगे। गोयल का कार्यकाल 30 जून को पूरा हो रहा है। कैबिनेट की अपॉइंटमेंट कमेटी की सेक्रेटरी दीप्ति उमाशंकर ने बताया है कि रवि सिन्हा का कार्यकाल 2 साल का होगा। गीता प्रेस गोरखपुर को साल 2021 का गांधी शांति पुरस्कार दिया जाएगा। बीते 18 जून को ये घोषणा की गई। इस प्रकाशन को ये पुरस्कार अहिंसक और अन्य गांधीवादी तरीकों से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन की दिशा में योगदान के लिए ये दिया जाएगा। केंद्र सरकार की तरफ से आधिकारिक बयान में जानकारी दी गई है। इसको लेकर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा है कि गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार देना गोडसे और सावरकर को सम्मान देने जैसा है। कांग्रेस पार्टी के सांसद जयराम रमेश ने ट्वीट कर कहा है कि साल 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार गोरखपुर के गीता प्रेस को दिया जा रहा है, जो कि अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है। अक्षय मुकुल की 2015 में आई एक बहुत अच्छी जीवनी है। इसमें उन्होंने इस संगठन के महात्मा के साथ तकरार भरे संबंधों और राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक एजेंडे पर उनके साथ चली लड़ाइयों का खुलासा किया है। ये फैसला वास्तव में एक उपहास है और ये सावरकर और गोडसे को पुरस्कार देने जैसा है। द टेलीग्राफ के मुताबिक गीता प्रेस के कर्ता धर्ता हनुमान प्रसाद पोद्दार और गीता प्रेस के संस्थापक जयदयाल गोविंदका उन 25,000 लोगों में शामिल थे जिन्हें 1948 में गांधी की हत्या के बाद गिरफ्तार किया गया था। अपनी किताब गीता प्रेस एंड द मेकिंग ऑफ हिंदू इंडिया में अक्षय मुकुल लिखते हैं कि गीता प्रेस और महात्मा के बीच जाति और सांप्रदायिक मुद्दों पर गहरी असहमति की एक श्रृंखला के बाद हरिजनों के लिए मंदिर प्रवेश और पूना पैक्ट जैसे मुद्दों पर संबंध तेजी से बिगड़ गए। अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी पर पोद्दार के विचारों को बदलने के गांधी के सर्वोत्तम प्रयास विफल रहे। गांधी के खिलाफ पोद्दार का कटाक्ष 1948 तक कल्याण के पन्नों में जारी रहा। बताया गया है कि 1948 में गोविंदका और पोद्दार की गिरफ्तारी के बाद जीडी बिरला ने दोनों की मदद करने से इनकार कर दिया और जब सर बद्रीदास गोयनका ने उनका मामला उठाया तो विरोध भी किया। बिरला के लिए दोनों सनातन धर्म का प्रचार नहीं कर रहे थे, बल्कि शैतान धर्म का प्रचार कर रहे थे। गीता प्रेस ने महात्मा की हत्या पर चुप्पी बनाए रखी। जिस व्यक्ति का आशीर्वाद और लेखन कभी कल्याण के लिए इतना महत्वपूर्ण था, और अप्रैल 1948 तक पोद्दार ने गांधी के साथ अपनी विभिन्न मुलाकातों के बारे में लिखा था, लेकिन बाद में उसके पन्नों को गायब कर दिया गया। अक्षय मुकुल की किताब कहती है कि गीता प्रेस ने न केवल हिंदू एकजुटता, पवित्र आत्म पहचान और आदर्श सांस्कृतिक मूल्यों की घोषणा करने के लोकप्रिय प्रयासों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, बल्कि हिंदू राष्ट्रवाद के रंगमंच में एक खिलाड़ी के रूप में भी 1923 के बाद से हर महत्वपूर्ण मोड़ पर आरएसएस, हिंदू महासभा, जनसंघ और भाजपा के बहुसंख्यक आख्यान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे हैं। गीता प्रेस को लेकर बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कांग्रेस पार्टी पर पलटवार किया है। समाचार एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए उन्होंने कहा, कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि वो परिवार के घोंसले और पप्पू के चोचले से बाहर नहीं निकल पा रही है। उन्हें लगता है कि सारे नोबेल पुरस्कार, सारे सम्मान वो सिर्फ एक ही परिवार के घोंसले में सीमित रहने चाहिए। गीता प्रेस ने देश के संस्कार, संस्कृति और देश की समावेशी सोच को सुरक्षित रखा है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक वीडियो ट्वीट किया है जिसमें पीएम मोदी ये कह रहे हैं कि ना वहाँ कोई हमारी सीमा में घुसा है और ना ही कोई घुसा हुआ है और ना ही कोई हमारी पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। इसी को लेकर उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि आज ही के दिन 3 साल पहले प्रधानमंत्री ने चीन को एक क्लीन चिट दी थी। उन्होंने तब जो कहा था उसे सुनिए। उनकी क्लीन चिट ने भारत को गंभीर नुकसान पहुंचाया है और आगे भी नुकसान पहुंचाता रहेगा। क्लीन चिट देने के बाद से संसद और बाहर दोनों ही जगहों पर पीएम की लगातार चुप्पी ने बातचीत में भारत की स्थिति को कमजोर किया है। जम्मू और कश्मीर में सोमवार को एक निर्वाचित सरकार के बिना 5 साल पूरे कर लिए गए हैं। इस बीच केंद्र शासित प्रदेश में लोकतंत्र की बहाली में देरी को लेकर मुख्यधारा की नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से तीखा हमला किया गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने तंज भरे अंदाज में कहा है
लोकतंत्र वहां खत्म हो जाता है जहां से जम्मू कश्मीर शुरू होता है। उमर अब्दुल्ला ने ट्विटर पर लिखा है, लोकतंत्र हमारी शिराओं में है, ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है, भारत लोकतंत्र का मंदिर है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय महान मायने वाले ऐसे शब्दों को हाथों हाथ लेता है और उन्हीं उबाऊ बातों को दोहराता है। उन्होंने आगे लिखा है कि इस बीच जम्मू कश्मीर ने केंद्र के शासन के अधीन 5 साल पूरे कर लिए हैं। उन्होंने लिखा कि लोकतंत्र वहां खत्म हो जाता है जहां से जम्मू कश्मीर शुरू होता है। वहीं पीडीपी प्रवक्ता मोहित भान ने कहा है कि पूरे देश और उसके नेतृत्व को खुद को लोकतंत्र की माता कहने के लिए शर्म से अपना सिर झुका लेना चाहिए। 23 जून को बिहार की राजधानी पटना में होने वाली विपक्ष की बैठक को लेकर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि मोदी को हराने के लिए पटना में विपक्ष के नेता जुट रहे हैं। 2019 में भी सभी दल एक साथ आए थे, क्या हुआ? सभी ने देखा, इस बार तस्वीर में उद्धव ठाकरे का नया चेहरा होगा। फडणवीस ने कहा, जंगल में कितने भी जानवर एकजुट हो जाएं, राजा शेर ही होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी राजा साबित होंगे और उन्हें कोई भी चुनौती नहीं दे पाएगा। उन्होंने विपक्ष से कहा कि वो अपने नेता की चुनाव से पहले घोषणा करें। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने विपक्षी एकता को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने पूछा कि विपक्ष की ओर से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा। रविशंकर प्रसाद ने कहा, कौन होगा प्रधानमंत्री? ममता तो कह रही है कि कांग्रेस पार्टी सीपीएम से दोस्ती करेगी, तो मैं नहीं आऊंगी, मैं विरोध करूंगी। आप देख रहे हैं कि आपस में खटपट है। उन्होंने कहा कि कुर्सी के लिए स्वार्थी लोगों का एक गठबंधन है जिसकी एकमात्र ये कोशिश है कि मोदी जी के खिलाफ अकेले कुछ नहीं कर सकते, तो साथ में भी वही आएगा। उन्होंने कहा कि अब देवगौड़ा, गुजराल, वीपी सिंह से देश बहुत आगे निकल चुका है। हिंदुस्तान स्थायी सरकार चाहता है, आपस में लड़ने वालों का रगड़ा नहीं चाहता है। वहीं टीएमसी ने कहा कि रविशंकर प्रसाद जो कहते हैं उसकी कोई अहमियत नहीं है, खुद उनकी पार्टी उन्हें मंत्रिमंडल से बाहर कर चुकी है। पंजाब में गुरबाणी का प्रसारण मुफ्त किए जाने के फैसले पर राजनीति गर्मा उठी है। इस राजनीति को आप ऐसे समझ सकते हैं, दरअसल गुरबाणी प्रसारण का अधिकार श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पास है। SGPC ने गुरबाणी प्रसारण का अधिकार PTC नेटवर्क चैनलों को दे रखा है। PTC नेटवर्क चैनलों का मालिक बादल परिवार है। पंजाब सरकार के इस फैसले से किसी भी चैनल को गुरबाणी प्रसारण का अधिकार मिल जाएगा। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान कैबिनेट कल मंगलवार को एक फैसले को औपचारिक रूप देगी कि अमृतसर में हरमिंदर साहेब से गुरबाणी का प्रसारण मुफ्त किया जाए। गुरबाणी पर सबका अधिकार और मुफ्त होना चाहिए, मुख्यमंत्री मान ने आज सोमवार ट्वीट कर ये घोषणा की है। वहीं आज मुख्यमंत्री मान ने पहले गुरबाणी के प्रसारण को मुफ्त करने का प्रस्ताव दिया था, तो SGPC बादल और अकाली दल ने इसका जमकर विरोध किया। SGPC प्रमुख हरजिंदर सिंह धामी ने एक बयान में कहा है कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान जी को सिखों के धार्मिक मामलों को भ्रमित करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, देश को अपने राजनीतिक हितों के लिए भ्रमित ना करें। गुरबाणी का प्रसारण सामान्य प्रसारण नहीं है, इसकी पवित्रता और नैतिकता की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। बादल परिवार के नेतृत्व वाले अकाली दल के दलजीत सिंह चीमा ने इस कदम को असंवैधानिक और सिख समुदाय की धार्मिक गतिविधियों में सीधा हस्तक्षेप कहा है। वहीं भाजपा और कांग्रेस भी इसका जमकर विरोध कर रहे हैं। उनका तर्क है कि सिख गुरुद्वारा अधिनियम 1925 संसद द्वारा बनाया गया कानून है जिसे राज्य सरकार बदल नहीं सकती है। कांग्रेस के सुखपाल सिंह खेरा ने सवाल किया कि पंजाब सरकार एक केंद्रीय अधिनियम में कैसे बदलाव कर सकती है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने चीन के साथ बढ़ते तनाव को कम करने के मकसद से चीन की अपनी 2 दिवसीय यात्रा के अंतिम दिन सोमवार को चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। ब्लिंकन और चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग की मुलाकात तय कार्यक्रम का हिस्सा नहीं थी, लेकिन बाद में ये मुलाकात तय हुई। बता दें, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के पदभार ग्रहण करने के बाद से ब्लिंकन चीन की यात्रा करने वाले सर्वोच्च स्तर के पहले अमेरिकी अधिकारी हैं। वो पिछले 5 वर्ष में बीजिंग की यात्रा करने वाले पहले अमेरिकी विदेश मंत्री हैं। पाकिस्तान की सीनेट ने यह सुनिश्चित करने के लिए एक विधेयक पारित किया है कि कोई भी सांसद जीवन भर के लिए अयोग्य नहीं हो सकता है। वहीं विपक्ष ने आरोप लगाया है कि यह विधेयक पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की देश में वापसी और आगामी चुनाव में उनकी भागीदारी का रास्ता साफ करने की कवायद है। बता दें, नवाज शरीफ को 2017 में सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यों की पीठ ने अयोग्य घोषित कर दिया था। 2018 में वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जीवन भर के लिए सांसद बनने के लिए अयोग्य हो गए थे। नवाज इलाज के लिए नवंबर 2019 से लंदन में रह रहे हैं। अब तक की खबरों में इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।